हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम थंडरस्टॉर्म के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। थंडरस्टॉर्म का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा। यह वर्ड थंडर प्लस स्टॉर्म दो अलग अलग वर्ड से मिलकर बनता है। तो अब हम पहले थंडर वर्ड के मीनिंग को समझ लेते हैं। बच्चों, आपने आसमान में मूव करते हुए बादल यानी के क्लाउड्स को ज़रूर देखा होगा। ये देखिए, आपको यहाँ पिक्चर भी दिखाई गई है। पिक्चर में आपको क्लाउड्स दिखाए गए हैं। जब इन क्लाउड्स के अंदर वाटर वेपर्स की संख्या बहुत बढ़ जाती है, मतलब वाटर वेपर्स बहुत ज़्यादा जब बन जाते हैं और तेज़ हवाएं भी चलना शुरू कर देती हैं, तो उस समय ये बादल आपस में एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करते हैं, मतलब एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते रहते हैं, एक दूसरे के साथ रब करते हुए एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में मूव करते हैं। और जब ये एक दूसरे से स्ट्राइक करेंगे तो इनके अंदर चार्ज प्रोड्यूस होता है। ये देखिए, आपको अगले पिक्चर में बादलों के ऊपर चार्ज प्रोड्यूस होता हुआ दिखाया गया है। ये जो आप प्लस और माइनस के सिंबल देख रहे हो, ये चार्ज के लिए हैं। जब बादल स्ट्राइक करते हैं तो प्लस और माइनस का चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। चार्ज को दिखाने के लिए हम यहाँ प्लस और माइनस का सिंबल यूज करते हैं। यही चार्ज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता रहता है, और जब ये चार्ज ट्रांसफ़र होता है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। जो ये चार्ज है, जो आपको प्लस माइनस के सिंबल की फॉर्म में दिखाया गया है, ये चार्ज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता रहता है, और जब भी ये ट्रांसफ़र होगा तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और इलेक्ट्रिसिटी की जब ये स्पार्किंग प्रोड्यूस होती है, ये देखिए, आकाश में बिजली चमकती हुई आप लोगों ने भी कभी ना कभी ज़रूर देखी होगी। तो इलेक्ट्रिसिटी की स्पार्किंग जो होती है, जो ये चार्ज जब चलता है और बहुत स्पीड से चलता है, तो इसी तरह की स्पार्किंग आपको आसमान के अंदर दिखाई देगी। स्पार्किंग की वजह से हवा का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, जिससे एयर में अचानक एक्सपेंशन होता है, मतलब एकदम हवा जो है वो गर्म होके फैलना स्टार्ट करती है। और सडनली जब ये हवा एक्सपेंड करेगी तो हवा के बहुत तेज़ स्पीड से एक्सपेंड होने से एक लाउड साउंड प्रोड्यूस होती है, और उसी लाउड साउंड को हम बोलते हैं थंडर। आपने भी सुना होगा कि बारिश बहुत तेज़ आई हुई हो तो उस टाइम बादलों से आवाज़ आती है और बिजली के कड़कने की आवाज़ आती है। तो वो इसी वजह से पैदा होती है, क्योंकि बादल आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट में जब आएंगे तो बिजली प्रोड्यूस होगी, और बिजली की स्पार्किंग की वजह से हवा गर्म होती है, और हवा के गर्म होने से अचानक उसके अंदर एक्सपेंशन होता है, जिसकी वजह से एक लाउड साउंड प्रोड्यूस होगी और उसको हम बोलेंगे थंडर। तो आपको थंडर वर्ड का मीनिंग समझ आ गया होगा। बच्चों, आपने बादलों के गरजने के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। बादलों के गरजने की आवाज़ को हम थंडर बोलते हैं, और स्टॉर्म को हम तूफान बोलते हैं। जब बहुत तेज़ हवा चलती हो, बारिश भी आती है, तो उसे हम स्टॉर्म कहते हैं। तो बच्चों, अब तो आप सभी को समझ आ गया होगा कि हम थंडर स्टॉर्म किसे कहते हैं। तो चलिए मैं आपको एक डेफिनेशन यहाँ दिखा दूं। ए स्टॉर्म विद थंडर रेनफॉल और लाइटिंग इज कॉल्ड थंडर स्टॉर्म। मतलब थंडर स्टॉर्म हम उसको बोलेंगे, एक ऐसा तूफान जिसमें बादलों की गरजने की आवाज़ सुनाई दे, बारिश भी आए और बिजली के कड़कने की भी आवाज़ सुनाई दे, बिजली भी चमकती हुई दिखाई दे, तो ऐसे तूफान को हम बोलते हैं थंडर स्टॉर्म। तो एक स्टूडेंट्स, आपको थंडरस्टॉर्म का टॉपिक समझ आ गया होगा। ओके, बाय।